দাঁড়াবেন দোস্ত, মহিলা মাসের টপিক চলে আসছে দোস্ত, ভোটিং কো লেকে জো তরহ তরহ কে হথকন্ডে আপনায়ে যাতে হ্যায়, জো তরহ তরহ কে লোগো কো বেওকুফ বানা যাতে হ্যায়, জিস দরমিয়ান ভি ইস ইলেকশন কে টাইম মে কুছ এসেই ঘটনা আ রহি হ্যায়, জো আম জনতা কে সামনে ভি আ রহি হ্যায়, পুরি দুনিয়া কে সামনে আ রহি হ্যায়, লেকিন ইসকা কোই ভি ডর নেই হ্যায়, না কোই খৌফ হ্যায়। জেসে কি আপ জানতে হো কি আপ দেখ সকতে হো কি ভোটিং কে দৌরান জো হ্যায়, লোক কিউ লোড কর জা রহে হ্যায়, আপ কিউ জা রহে হ্যায় লোড কর ইয়াহ পে, জিন্দি কা নাম নেই হ্যায়, বেঈমানি জিন্দি বেঈমানি, কে হো রাহা, কে হো ক্যা রাহা ইয়াহ, ইয়ে ভাত ভাত পে ভোট ডাল রহে হ্যায়, ফুল পে ভোট ডাল রহে হ্যায়, কে হো রাহা ইয়াহ, হো ক্যা রাহা, सब जो है बीजेपी को जा रहे हैं, जो साहिल को डाला है। मेरा नाम मोहम्मद असद रहीमी, मैं शरीफ नगर से अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। इस वक्त मैं कॉलेज के अंदर ही खड़ा हूँ और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ बाकायदा उलमा की तंजीम की तरफ से, और जिस तरह से शिकायत कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि यहाँ बीजेपी को वोट जा रहा है साइकिल को वोट देने के बजाय। जो भी होगा, यदि जिसको कोई समस्या हो वोट डालने जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की पर्ची निकल रही है, तो लोगों ने उसको बहिष्कार किया है, लोग वहां से वोट डालने के लिए हट गए हैं। वो कहते हैं कि हम समाजवादी को वोट डाल रहे हैं, लेकिन आ रही है बीजेपी की पर्ची, तो हमें वोट नहीं डालना है। तो इन चीजों को लेके, और दूसरी तरफ है आरपीएफ वाले जो है भाई बॉर्डर की सुरक्षा के लिए रहते हैं, उम्मीदें टिकी रहती है लोगों की, वो भी देखिए ये गाड़ी लेके आए हैं, गाड़ी के अंदर भर के आए हैं, और ये भी जो है बीजेपी का वोट डलवा रहे हैं। वो कहते हैं ये बटन दबा के जो है कमल को वोट डालिए। आप क्या कर रहे थे, ये आ रही ना वीडियो बना, क्या कर रहे थे, काय का प्रचार कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे बूथ के अंदर, हाँ, एक नंबर का बटन दबा के बीजेपी को विजय करना है। इनके नेम प्लेट ये ऐसा विजय ये है, इनके नंबर नंबर सब है, क्या ये बीजेपी का प्रचार कर रहे थे आर्मी से और फर्जी वोट डलवा रहे थे, हाँ, ये आर्मी के, हाँ हाँ, और इनका पब्लिक ने विरोध करी इनको, तो ये भागते हुए आए वहाँ से बूथ के अंदर से, भागते हुए भागे हैं, हाँ हाँ, आर्मी के सिपाही हैं, हाँ, देश की सेवा करते हैं, ये ऑनलाइन लाइव चल रहा है, ये ऑनलाइन वीडियो चल रहा है लाइव, बिल्कुल। इनका नाम सुनील है शायद, एक मिनट बता रहा हूँ ये कौन सी फैक्ट्री का है, ये फर्जी वोट डलवाने आए हैं, जो बैलेट नहीं है, जो इंस्टीट्यूट नहीं है, वो फर्जी वोट डलवा रहे आर्मी वाले, ये आर्मी इनको ऊपर केंद्र सरकार ने इनको, हाँ, हाँ, फर्जी वोट डलवाने का, ये देखो ये भागते हुए जा रहे हैं, एक एक आ रहे हैं और वहाँ फर्जी वोट डलवाते जा रहे हैं, देख लो जनता सब देख लो, ये गाड़ी कर लो, जीआरसी व्हीकल फैक्ट्री नंबर है इस गाड़ी का, ये फर्जी वोट डलवाने के लिए लेके आए हैं, ये फर्जी वोट डल रहे हैं यहाँ पर, और इनका प्रचार अलग से किया। तो ये न्याय कहाँ का है, इसका कोई इलाज है कि नहीं है? ये बार बार हम जैसे न्यूज वाले न्यूज के ऊपर दिखाते हैं, हर चैनल पे दिखाते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। असर क्यों नहीं होता है? इनको कोई डर नहीं रह गया है, इनको कोई भयम नहीं रह गया है कि हाँ जनता क्या, इनको पता है जनता हमारी क्या कर लेगी, लेकिन जनता बहुत कुछ कर सकती है और बहुत अपना जिस तरीके से इनको एक सिंहासन पर बिठा सकती है उसी तरीके से सिंहासन पर से उतार भी सकती है। इलेक्शन कमीशन से मांग है बार बार कि वैलिड पेपर पे इलेक्शन करवा जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी मानने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, आप कभी भी देखोगे न्यूज चैनल पे या कहीं भी आप देखो, कोई भी सोशल मीडिया पे देखो, तो सिर्फ मशीन जो खराब होती है सिर्फ बीजेपी के लिए क्यों खराब होती है? हर घर में अगर मशीन खराब होती है तो उसमें कैंडिडेट के जो लोग है, हर सबका जो निशान है वो कहीं ना कहीं सबकी पर्ची निकलना चाहिए, लेकिन हर घर मशीन खराब होती है तो सिर्फ बीजेपी की पर्ची निकलती है। तो ये न्याय कहाँ का है? ये आम जनता को फैसला करना है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए नमस्कार।